हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर ना बहुत सारी कंपनी है जो पेंस मैन्युफैक्चर करती है और इंपोर्ट भी करती है बाहर से। आपको पता है कि ना इन्हीं ब्रांड्स के ना कुछ ऐसे पेन होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉप सेलिंग होते हैं क्योंकि वो टॉप क्वालिटी ऑफर करते हैं। तो आज तुम्हारा भाई ना इन्हीं टॉप ब्रांड्स के 24 ब्रांड्स के टॉप ऐसे पेन लेके आया है जो मोस्ट पॉपुलर है, और आज ना हम इन्हीं टॉप पेन्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि टॉप ब्रांड्स में से टॉप पेन है और फिर उनके अंदर से टॉप निकालना। तो लेकिन आपके लिए एक आसान काम है कि आपको नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के लाल बटन को ना ग्रे करना है, क्योंकि इसी तरीके का ना स्टेशनरी जो भी प्रोडक्ट है हम आपके लिए लेके आने वाले हैं पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ के। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ स्टेशनरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आज होने वाला है 24 ब्रांड का कंपैरिजन, वो भी टॉप पेंस का। तो चलिए सबसे पहले इनके हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर इसका आपस में करेंगे राइटिंग टेस्ट वगैरह, वाटर प्रूफिंग टेस्ट, बिल्ड क्वालिटी टेस्ट, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में करने वाले। तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है और अपना फेवरेट पेन हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है पूरे 24 ब्रांड्स, और वो 24 ब्रांड कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जिनका हमारे पास गाइड है जो मोस्ट डिमांडेबल पेन है, और इसका प्राइस ना आज की डेट में 12 रुपए हो चुका है, 10 रुपए था पहले, महंगाई के साथ रेट बढ़ गया है। उसके बाद अपने पास देखो होजर का 100 है, 100 का बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, इसमें इन्होंने काफी सीरीज निकाली है जिसमें और भी प्रोडक्ट्स है, तो इसका प्राइस भी सेम 10 रुपए, 100 रुपए का ये पैक है। उसके बाद देखो डॉम्स में ना बहुत कम पेन्स आते हैं, तो जिसके अंदर एक DF पेन है जो डॉम्स का काफी सेल में रहता है, इसका प्राइस 80 रुपए है, 20 पेन का मतलब 4 रुपए पर पेन है, और इसके अंदर DF का मतलब पता है कि डायरेक्ट फिल है, इसके अंदर रिफिल नहीं मिलेगी, तो वो कैसे हम आपको ओपन करेंगे। और ये पेंटोनिक का एक आता है नॉर्मल बॉल पेन, और इसका प्राइस ना 10 रुपए पर पीस है, और 100 रुपीज के आपको 10 पेन मिलने वाले हैं। तो अभी उसके बाद देखो लिंक की तरफ से आता है सिग्नेटा जो काफी डिमांड में रहता है, और 12 रुपए इसका प्राइस हो चुका है, 120 के आपको ये पेन मिलने वाले। और वहीं रेनॉल्ड्स 045 मोस्ट डिमांडिंग पेन है आज तक रेनॉल्ड्स का, जब से रेनॉल्ड्स कंपनी स्टार्ट हुई है। और इसका ना 045 के पीछे भी इसका एक रहस्य हम कह सकते हैं कि इसका नाम 045 क्यों है, वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और इसका प्राइस अभी 70 रुपए है। तो देखो हमने अभी ये करप्शन कलेक्ट किया, तो हमने ये नहीं कि सिर्फ सस्ते पेन, तो महंगे पेन भी हम लेके आए हैं। तो हमारे पास ना पार्कर का क्लासिक गोल्ड है बॉल पेन के अंदर, ये लुक वाइज बहुत अच्छा होता है, बाकी इसकी चला पे क्वालिटी देखेंगे वो कैसी है, तो 600 रुपए प्राइस है, प्राइस बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखो एक जुक्स एक ब्रांड है, अगर आपने इसका यूज किया है ना पेन तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसका प्राइस ना 40 रुपए है, बाकी फोटो से तो काफी प्यारा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसे ना फ्लेयर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो फ्लेयर कंपनी का ही ब्रांड है, लेकिन देखो ब्रांड अलग है तो हमारा तो लाने का फर्ज है। उसके बाद अपने पास यूनोमैक्स का बोल्ट्रॉन है, और इस पेन के अंदर ना एक खास बात है, वो हम आपको दिखाएंगे जब चला के, लेकिन इसका प्राइस आपको बता देते हैं, वो 10 रुपए पेन मतलब 100 रुपए पैक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक पेरे गार्डन की काफी अच्छी पैकिंग के अंदर रीगल पेन है, इसका प्राइस भी 400 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ी गिफ्टिंग पेन है, प्रीमियम पेन है, तो सिग्नेचर वगैरह के लिए आप यूज करोगे ना तो एक सिग्नेचर की भी कॉस्टिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग बहुत अच्छी, ओपन करने के बाद देखते हैं पेन कितना अच्छा है। तो देखो सभी पेन्स की अलग अलग पैकिंग है, बटरफ्लो की हमारे पास एक जार पैकिंग है, और जो इसका प्राइस है ना वो 275 रुपए है, मतलब 25 पेन का, तो 11 रुपए पर पेन हमें पड़ने वाला है, और काफी प्यारी है पैकिंग लगती है जार के अंदर, और 25 पीस ज्यादातर आते हैं जार में। देखो साइनो का हमारे पास सॉफ्ट है, साइनो में ना काफी पेन्स आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड में और टॉप क्वालिटी का ना वो साइनो सॉफ्ट है, बहुत लोगों ने इसे यूज किया होगा तो वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम इसे कंपेयर करेंगे कि कितना इसमें दम है। उसके बाद देखो सुप्रा एक कंपनी है जो अभी आई है और काफी अच्छे पेन्स ये निकाल रही है, उसके बाद जो इसका प्राइस है ना वो 7 रुपए है, 5 पेन का 35 रुपए, और इसका नाम है ओ माई गॉड हीरो। उसके बाद देखो मेरा वन ऑफ फेवरेट पेन है एडजेल की तरफ से आता है एक डिजाइनर मेटल स्लिम पेन, तो ये काफी अच्छा है, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है मेटल, जो ये स्लिम है ना बहुत ज्यादा होता है, और इसका जो प्राइस है वो 15 रुपए। उसके बाद देखो अपने पास एक पायलट का BP1 RT है, और RT का मतलब रेट्रेक्टेबल है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको रेट्रेक्टिव मिलेगा। लग्जर ब्रांड का हमारे पास यूनिफ्लो है जो बहुत ज्यादा डिमांड में होता है इनका बॉल पेन में, लेकिन आपको एक चीज बता दें, हमारे पास ना क्लासमेट का ऑक्टेन का जेल है, लेकिन आपको पता है कि बॉल पेन का कलेक्शन है तो जेल क्या कर रहा है, तो हम आपको बता दें इसके अंदर ना हमें बॉल पेन नहीं मिला, लेकिन जो क्लासमेट का ऑक्टेन है बॉल है वो डिमांडिंग में होता है, तो जिस दिन जेल पेन का कलेक्शन लेके आएंगे उस दिन एक ऑक्टेन का बॉल पेन ले आएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्लासमेट को ऐड करना जरूरी था। उसके बाद देखो रोरिटो का अपने पास फेंटा फ्लो है, ये भी काफी डिमांड में रहता है, और जो इसका प्राइस अभी बढ़ चुका है, 15 रुपए हो चुका है 10 रुपए से,
उसके बाद देखो मोन्टेक्स का स्मूथ फ्लो है, काफी अच्छी पैकिंग है, एक सिंपल सी सिंगल पैकिंग, 10 रुपए इसका प्राइस है। उसके बाद देखो बहुत ज्यादा लोगों का पसंदीदा पेन है गोल्डेक्स क्लासी, जो मुझे भी काफी अच्छा लगता है, 7 रुपए के अंदर आने वाले पेन्स में। देखो इसका प्राइस 7 रुपए 35 पांच पेन का, और वन ऑफ फेवरेट पेन एल्कोस का सिग्नी, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ होता है राइटिंग में, तो आज इनका कंपेयर में बड़ी मैदान में इसका जरूर आना बनता था, तो 5 रुपए इसका प्राइस है, 25 रुपए। उसके बाद देखो विन की तरफ से TMO आता है, लेकिन हम विन की तरफ से 2 क्यों ले आए भाई, ये तो मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, अभी आ गया है तो कोई नहीं। उसके बाद अपने पास देखो टोटम का क्योट है, और देखो टोटम को भी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना वो विन पेन्स करती है, लेकिन इसका अलग ब्रांड है जिसकी अलग सीरीज होती है पेन की। तो सबसे पहले हम इनमें से एक एक पेन को बाहर करके इनका राइटिंग कंपटीशन करते हैं। फ्रेंड्स देखो सभी पेन अपनी पैकिंग से बाहर आ चुके हैं, तो हमें पेरी गार्डन के अंदर ना एक की लॉकेट भी मिला था, तो देखो काफी प्यारा सा एक की लॉकेट है। और उसके बाद हमारा पार्कर का पेन सिंगल पैकिंग से तो बाहर आ गया, लेकिन इसके अंदर ना कितना प्यारा सा एक प्लास्टिक केस भी मिलता है, जो आपको दिखाना जरूरी था, तो इसको भी हम आपको दिखा दें। तो ये काफी अच्छी पैकिंग है, क्योंकि देखो पैसा भी तो अच्छा खासा लिया है। अभी हम आपको बता दें, देखो आज इनका ना प्राइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि कोई 600 का पेन है, कोई 20 रुपए का है, कोई 2 रुपए का है, नहीं 2 का तो कोई नहीं है, बाकी 4 रुपए का है, 5 रुपए का है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन है कि आज सभी ब्रांड्स हैं, सभी ब्रांड्स के टॉप सेलिंग पेन्स हैं। तो सबसे पहले हम इनसे राइटिंग करेंगे और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे साथ ही। तो फ्रेंड्स राइटिंग शुरू करते हैं अपने एंशियंट पेन रेनॉल्ड 045 से। आप देख सकते हो ये सेम अभी उसी लुक में आता है जिससे मैं काफ़ी साल पहले आता था। अभी आपको बता दूं, देखो 045 का मतलब पता है क्या है, कि रेनॉल्ड कंपनी जो स्टार्ट हुई थी ना, तो 1945 के अंदर उन्होंने सबसे पहला पेन ये बनाया था, तो इसी का नाम इसी वजह से 045 रखा गया था। तो सबसे पहले मैं इससे राइटिंग करता हूँ, तो देखो राइटिंग करने में ना तो काफ़ी मुझे अच्छा फील आ रहा है इससे। आप देख सकते हो काफ़ी लाइट इसकी राइटिंग है, जो इसकी ग्रिप है वो आज भी सेम है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट और फ्लेंसी होने की वजह से इतनी अच्छी ग्रिप बनती नहीं है, बाकी देखो बहुत लोगों को ये काफ़ी पसंद होता है। तो रेनॉल्ड 045 देखो बॉल पेन है, बाकी स्मज वगैरह का तो देखो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो समझ तो बिल्कुल हुआ नहीं है। उसके बाद अपना है, देखो मुझे काफ़ी पसंद आता है विन का TMO पेन, लेकिन आपको पता है हमसे एक गलती हो गई, विन के अंदर 2 पेन्स आ चुके हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो अभी बाकी दोनों ही पेन ना काफ़ी मोस्ट डिमांडेबल पेन है, तो देखो राइटिंग तो इससे भी काफ़ी अच्छी आने वाली है, और देखो समझ का तो आप समझ ही लो कि होने वाली नहीं है बॉल पेन से, बस आपको क्या देखना है कि इनकी इनकी कलर देखना है, इनकी पॉइंट देखनी है, इनकी निब देखनी है। तो वही है गोल्डेक्स क्लासी, देखो आपको पता है ये भी काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट पेन है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आप देखो इसकी जो निब है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये क्या होता है कि लास्ट में आने में ना थोड़ा सा डार्क होने लगता है। तो अभी इससे हम आपको लिख के दिखाएं, तो देखो जो अभी हमने 2 पेन लिए थे ना ऊपर वाले रेनॉल्ड्स और विन TMO, उनका इंक का कलर कुछ अलग है और इसके इंक का कलर कुछ अलग है। तो फ्रेंड्स देखो समझ के नाम पे तो ये बहुत ज़्यादा समझ हो गया बॉल पेन होने के कारण भी, पर चलो कोई बात नहीं। कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो देखो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम है, तो जो इसकी ग्रिपिंग है ना वो देखो काफ़ी अच्छी है, और जो यहाँ पे एक निब है इसकी थोड़ी काफ़ी मोटी सी है तो मुझे लग नहीं रहा, और बाकी इसके अंदर एक विंडो मिल रही है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी इंक बची हुई है, बाकी ओपन करके देखने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इससे करते हैं राइटिंग, तो रोरिटो फेंटा फ्लो। देखो जिसको ये है कि मेरे हिसाब से ना इसकी निब ना 0.7 mm के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि 0.7 mm, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी और इसकी राइटिंग में ना काफ़ी डिफरेंस है, तो इसके वर्ड हैं जो काफ़ी मोटे आ रहे हैं, बाकी देखो समझ तो ये होने वाला है नहीं, बॉल पेन्स में बहुत कम ऐसे पेन हमें मिलेंगे जो समझ होंगे। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट कलेक्शन का पेन है यूनो मैक्स का बोल्ट 2x 1.0 mm, और इसकी एक खास बात है कि ये काफ़ी मोटा है, और ये ना आपकी जैसे OMR सीट्स वगैरह में फिल करने के काफ़ी अच्छे काम आता है, क्योंकि इसे तो हम इसका आपको दिखाएं, देखो कितनी इससे मोटी हैंड राइटिंग आने वाली है यूनो मैक्स बोल्ड ट्रॉन। देखो नाम भी क्योंकि इसका इसके उसको शो कर रहा है खासियत को, तो आप देख सकते हो बोल्ड ट्रॉन का मतलब ही है कि ये बोल्ड होने वाला है, तो समझ के नाम पे तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी समझ हुआ है, लेकिन इंक की वो इसकी काफ़ी मोटी है। उसके बाद देखो पेंटोनिक का पेन है, ये एक सिंपल लुक के अंदर होता है और यहाँ से इसका कलर पता चलने वाला है, और कुछ भी इसके अंदर मैं ऐसे कह नहीं सकता कि खास है, लेकिन जो इसकी ग्रिपिंग होती है ना उसके बाद भी जो इस पेन की लुक आती है वो एक सिंपल होने के बाद भी बहुत प्यारी आती है। तो पेंटोनिक जो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस है वो मुझे सच में, मैं लिख रहा हूँ ना तो मुझे ही पता चल रहा है, मैं आपके साथ वर्डों में शेयर करूँ ना तो एक्सीलेंट है, बस इसने थोड़ा सा यहाँ पे वो करा दी बेइज्जती, बाकी
काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे हो सकता है कई बार पेपर में भी कोई दिक्कत हो जाती है, कई पेन नहीं चलते। उसके बाद देखो अपने पास लग्जर का यूनिफ्लो है, ये भी एक मुझे काफ़ी अच्छे लुक के साथ मिला है। और यहाँ पे ना जो इनमें स्टील की ग्रिप सी होती है, इससे क्या होता है कि हम इसे इजीली होल्ड कर पाते हैं पॉकेट वगैरह के अंदर। ये थोड़े ऑफिशियल पेन्स में आ जाते हैं, जैसे ये गोल्डेक्स क्लासी वगैरह हो गया, तो इसके अंदर प्लास्टिक की है ना, तो इस वजह से हम इसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाते हैं। तो हम इससे राइटिंग देखते हैं कि राइटिंग में कितना इसका जज्बात है। तो लग्जर यूनिफ्लो तो भाई राइटिंग एक्सपीरियंस भी ना काफ़ी अच्छे से है, और आप देख लीजिए इसके इंक है वो काफ़ी स्मज हो चुकी है। बाकी देखो मुझे ना पतले पेंस ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरा हाथ तो उनमें काफ़ी अच्छा चलता है। उसके बाद अपने पास होजर का एक्सो है, और उसके अंदर ना जर्मनी इस वजह से लिखा होता है, जो इनकी इंक है वो ये जर्मनी से इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में और बहुत लोगों का फेवरेट पेन है, तो इसके अंदर क्या ऐसा खास है। तो हम इससे पूरा ही लिख देते हैं होजी जर्मनी एक्सो, तो क्या समझ इसकी इंक होगी। तो देखो इंक इसकी हल्की सी समझ हुई है यहाँ पे, बाकी औरों के कंपेयर तो ये है कि खास ऐसी हुई नहीं। तो देखो अभी अपने पास आ चुका है एक DF पेन और साइनो सॉफ्ट टैग, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट पेन है, और जिन जिन का फेवरेट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इससे सच में देखो ये बहुत ही सस्ता होने के कारण भी ना ये जो राइटिंग एक्सपीरियंस है पेन से ना वो बहुत अच्छा है, और महंगे पेन्स के कंपेयर। तो वही है कि इसके अंदर ना आप इंक का जो वो भी होती है ना वो भी काफ़ी होती है, मतलब ये लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, जहाँ की 10-20 वाले पेन और ब्रांड्स के वो नहीं टिक पाते हैं। उसके बाद देखो अपने पास क्लासमेट का ऑक्टेन जेल है, बॉल है नहीं, लेकिन अभी जेल आया है तो कोई बात नहीं, जेल से ही करते हैं, लेकिन कंपेरिजन आपको पता है कि जेल बॉल में नहीं है, आपस में है ऑक्टेन जेल। तो भाई देखो अभी इसका मैं समझ टेस्ट आपको दिखा दूँ, चाहे जेल पेन है तो समझ तो बहुत हो गया, क्योंकि देखो क्लासमेट के ऑक्टेन, हमारा मोटिव ये है कि आपको बताना कि क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल पेन काफ़ी अच्छा होता है, अगर वो मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो हम पायलट का भी एक बॉल पेन लेके आए हैं जिसका नाम BP1 RT, और ये रेट्रेक्टेबल में आपको मिलेगा, और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी लेंथी ग्रिप है, बहुत लोग ऊपर से लिखते हैं तो उनको भी ईजीली इसे कैरी करने में आसानी रहेगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इंक वगैरह हमें दिखने वाली नहीं है, लेकिन 20 रुपये के अकॉर्डिंग ना ये काफ़ी अच्छा पेन है। तो इसको भी मैं आपको चला के दिखा दूँ, पायलट BP RT। तो भाई देखो राइटिंग एक्सपीरियंस तो इससे मुझे ऐसा कुछ खास आ नहीं रहा, क्योंकि देखो इसके ना जो इंक है कि वो है, मैं कह नहीं सकता कि बाकी पायलट के पेन ना बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। वहीं अपने पास सुप्रा का ओमाई गार्ड हीरो है, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी ग्रिपिंग है ना वो लाइन वगैरह दी हुई है, और इसकी बॉडी पे भी कार्टून दिए हुए हैं, जिनसे इनकी पेन की लुक काफ़ी प्यारी हो जाती है। तो इसको भी हम आपको चला के दिखा देते हैं, तो ये देखो सुप्रा ओह माय गॉड हीरो। तो कहीं ना ये जो 5-7 रुपये वाले पेन है ये मच बेटर लगते हैं मुझे 20-25 वाले पेनों से, तो इससे भी ना काफ़ी अच्छा राइटिंग एक्सपीरियंस आया है। फर्स्ट टाइम चलने के बाद भी ना ये काफ़ी अच्छी अपनी राइटिंग क्वालिटी हमें देके जाते हैं। वहीं अपने पास डॉम्स का 0.6 है, ये भी DF में हमें मिलने वाला है, तो इससे भी हम इसका राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, डॉम्स 0.6, तो इसका भी देखते हैं इसमें भी होता है या नहीं। तो इसके जो ब्लू कलर है वो थोड़ा अलग है, ऊपर वालों का अलग है। तो देखो सबके कलर्स में ना आपको जरूर इंक में डिफरेंट दिखाई देगा। उसके बाद अपने पास विन का अगेन आ चुका है, जो कि गाइड है, और इसके अंदर ना देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है हमें इसे होल्ड करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ विन गाइड, तो देखो ये भी क्या समझ होगा, तो इसकी इंक भी बिल्कुल समझ नहीं हुई है। विन कंपनी ना अभी मेरे अकॉर्डिंग जो बड़ी कंपनी है सेलो वगैरह इनसे थोड़ी छोटी है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। अभी अपने पास एड जेल का मेटल पेन है, मेरा वन ऑफ फेवरेट पेन है, काफ़ी स्लिम होता है पकड़ने में और यूज़ करने में भी बहुत प्यारा लगता है, मैं इसे काफ़ी टाइम इससे लिखता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसका जो राइटिंग एक्सपीरियंस और जो फ्लो है ना हाथ से, जो प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना वो बहुत कम लगाना पड़ रहा है अदर पेन्स के कंपेयर। तो इसका भी हम समझ देखते हैं, मैंने समझ नहीं देखा क्या समझ होती है, तो इंक भी समझ नहीं हो रही है। तो भाई सच में एडजेल काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इस पेन में देता है। उसके बाद अपने पास एल्कोज का सिग्निया, ये भी काफ़ी अच्छा पेन होता है, जिन लोगों ने यूज़ किया ना वो ज़रूर जानते हैं इसके बारे में एल्कोज सिग्निया। बस ये कि ये थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है पेन, और साथ में इसके अंदर एक चीज़ क्या होती है कि ये थोड़ा मोटा हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। तो देखो समझ तो इसकी इंक हो ही चुकी है, तो समझ में तो ये इतना है नहीं। बाकी देखो ये काफ़ी प्यारा पेन मुझे लगा जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, तो जुक्स का Y7, बाकी जो इसके अंदर सीरीज आ रही है ना वो सेम ऐसी आ रही हैं। तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसके अंदर देखो एक चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, लिक्विड इंक सिस्टम। तो ये हमारे पास बॉल पेन नहीं है, ये लिक्विड इंक बॉल पेन मिला है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं लिख के, जुक्स Y7 समझ। तो इसको ना ओपन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बॉल पेन लिखा हुआ है इस पर, तो चलने में तो बॉल पेन लिख रहा है,
सकते हो। देखो इसकी जो इंक है ना वो लिक्विड वाली है, इसके अंदर आप देख सकते हो पीछे इस पर लिक्विड लगाया हुआ। उसके बाद देखो अपने पास टोटम का क्योट पेन है, ये भी काफ़ी प्यारा पेन है देखने में तो, लेकिन राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं तो राइटिंग एक्सपीरियंस ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मुझे तो 7-8-10-5 रुपए वाले पेन ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं जो महंगे पेन से। अपने पास लिंक का सिग्नेटा है, 12 रुपए इसका प्राइस है। तो अपने पेज को इधर से कर लेते हैं और अभी इधर लिखते हैं तो लिंक सिग्नेटा, तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। इससे भी देखो बिना प्रेशर के मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ और जो इसकी इंक है वो थोड़ी सी हल्की सी स्मज हुई है। उसके बाद देखो सेलो का मोस्ट डिमांडेबल पेन है बटरफ्लो, तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उसको ध्यान से देख लो। देखो इसकी ग्रिपिंग है कुछ इस तरीके से और इसके अंदर हमें ना क्लिप प्लास्टिक और स्टील दोनों में मिलती है, थोड़ा प्राइस का फर्क है। इसके अंदर विंडो मिल जाएगी आपको जिसमें आप इंक देख सकते हो, तो इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस कैसी रहती है वो हम देख लेते हैं। तो सेलो बटरफ्लो, तो देखो इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस है ना तो वो मुझे हमेशा एवरेज सी लगती है, जिन लोगों को फेवरेट है तो उनको पता नहीं, बाकी देखो जो यहाँ की ग्रिपिंग है उस पर भी ना काफ़ी हाथ फिसलता है तो ज़्यादा देर लिखने में ना दिक्कत होती है। उसके बाद देखो कितना प्यारा सा और हल्का सा पेन है, तो इसको ना पकड़ने में काफ़ी अच्छा प्रीमियम सा और मुझे राजा वाली फीलिंग आ रही है। तो चलो राजा जी कर देता हूँ आपके लिए, तो ये लो इससे अब हम इसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है इसका नाम पार्कर है, तो ये हम इससे आपके लिए साइन ही कर देते हैं। तो साइन करने में भाई क्या कहते हैं ये मेरा ऑटोग्राफ आप ले लो। तो भाई देखो इसके अंदर जो फ्लो है ना प्रेशर काफ़ी लगाना पड़ रहा है और इंक थोड़ी ज़्यादा पतली सी है, तो एक एक साइन का ना पैसा लगने वाला है क्योंकि 600 रुपये का पेन है और 600 साइन भी बड़ी मुश्किल से करेगा। उसके बाद अपने पास देखो मोंटेक्स का स्मूथ फ्लो है, तो देखते हैं कितना स्मूथ चलता है। तो मोंटेक्स, तो भाई सच में इसका नाम इन्होंने ठीक ही रखा है, स्मूथ फ्लो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन थोड़ी ना ग्रिपिंग में यहाँ से मेरा हाथ इससे फिसल रहा है तो ग्रिपिंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। बाकी एक जो आप देख सकते हो क्लिप इसकी स्टील की मिलने वाली है, विंडो के अंदर से आप इंक इसकी इजीली देख सकते हो। तो अपने पास अपना लास्ट पेन है अपने कलेक्शन का पेरे कार्डन, तो वेट के अकॉर्डिंग तो काफ़ी भारी है और देखो गिफ्टिंग तरीके का ही पेन है तो इसको हम राइटिंग पर्पज़ से तो ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, तो इसके अंदर ना देखो ग्रिपिंग भी इन्होंने बस बॉडी के अंदर ही कट से लगाए हुए हैं, तो इससे हम राइटिंग देखते हैं पेरे कार्डन। तो भाई ये भी ज़्यादातर साइन वगैरह के लिए ही है और आप इससे देख लो, तो वही है कि इस पे भी ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा पार्कर के कंपेयर, तो राइटिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। वो मैं आपको अपना ओवरव्यू लास्ट में दूंगा कि मुझे कौन सा अच्छा राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा। बाकी सब करते हैं इनका वाटर प्रूफिंग टेस्ट, सबसे पहले अप्लाई करते हैं रिनोल्ट 045 पे, तो देखो बिल्कुल भी इस वाटर प्रूफ के साथ, क्योंकि देखो बॉल पेन से तो जल्दी जल्दी इन पे कर लेते हैं क्योंकि मुश्किल ही कोई पेन ब्रांड होगी जो यूनोमैक्स का बोल्ट्रॉन देखो हल्का सा हुआ है और रोरिटो का फेंटा फ्लो भी हुआ है, तो क्योंकि बॉल पेन ना ऑयली बेस्ड पेन होते हैं, ऑयली इंक इनके अंदर होती है तो जिस वजह से जल्दी सी पानी के साथ जाते नहीं है। जेल पेन से कि हम कह सकते हैं वो काफ़ी कम पेन होते हैं जो वाटर प्रूफिंग होते हैं, तो इसके अंदर तो मुझे लगता नहीं है कि किसी पेन बेइज्जती कराएगा, सभी ब्रांड्स अपनी इज्जत रखने वाले हैं तो हम अच्छे से बिल्कुल लगा रहे हैं पानी को इन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर में बिल्कुल देखो कितना वो हो चुका है, लेकिन किसी भी पेन की इंक गई नहीं है, बस थोड़ी रोरिटो फेंटाफ्लो और यूनोमैक्स को बोल रहा हूँ क्योंकि देखो उनकी इंक की क्वांटिटी ना काफ़ी ज़्यादा थी। तो इनमें और देख लेते हैं इनमें से कभी कोई बैठा हो छुपा जो वाटर के साथ निकल जाए, तो देखो सेलो बटरफ्लो ये पार्कर था, मोंटेक्स स्मूथ फ्लो पेरे कार्डन सारे होती है ये था। तो कोई भी पेन है वो अपनी जगह पे ही है, अभी थोड़ा इधर मैं दिखा दूँ आपको, तो कोई भी पेन तो वाटर प्रूफ विदाउट वाटर प्रूफ है नहीं, तो सभी मुझे वाटर प्रूफ ही लगे। तो फ्रेंड्स आज बहुत अच्छा लग रहा है इस कलेक्शन को देख के, क्योंकि देखो कभी ड्रीम था कि इन ब्रांड्स को हम यूज़ कर सकें, एक दो ब्रांड ही यूज़ करते थे, लेकिन आज हमारे पास हमने 23 ब्रांड है और 23 के 23 ब्रांड से हमने लिख के देखा है और हमें कौन सी ब्रांड्स पसंद आई हैं वो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन आपको कौन सी आई हैं वो भी आपको शेयर करनी है हमें कमेंट के जरिए। देखो एडजेल का मेटल देखो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बाकी इसके अंदर ना ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, राइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया और क्लिक में मिलता है अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यूनोमैक्स का बोल्ट्रॉन इसलिए अच्छा है कि ग्रिपिंग वगैरह सारा कुछ तो अच्छा है इनका, फिर फ्लो वगैरह, लेकिन इसके अंदर हमें 1.0 mm की निम मिल जाती है जो हमारी मोटे वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद देखो एल्गोस का सिग्नी है, चलता बेशक कम है लेकिन जितना चलता है ना उतना बिल्कुल ये है कि धुआं उठा देता है। उसके बाद देखो विन का TMO ये बहुत अच्छा होता है ग्रिपिंग के अंदर भी, और जो इसके इंक का फ्लो है ना सबसे मेन चीज़ वही है राइटिंग के अंदर कि हमें कैसा फील आ रहा है। उसके बाद देखो रिनोल्ट 045 है, अपने टाइम से ही बेस्ट पेन है और आज भी ये बेस्ट है। बाकी देखो पेन
हमारे ही बेस्ट है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग भी उनको गोल्ड एक्स क्लासी वगैरह भी अच्छे लगते होंगे, और ये है कि मुझे जो आज की राइटिंग एक्सपीरियंस में अच्छा लगा मैंने वो शेयर कर दिया। और आपको इनमें से कौन से पेन पसंद आए और आपने कौन से पहली बार देखे वो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का कलेक्शन आपको और कौन सा पेन आपको पसंद आया वो आप कमेंट कर दें। और अगर आपको ये पेन्स खरीदने हैं और वो भी कम प्राइस के अंदर, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेशनरी कब सस्ती होती है और इन सभी पेन्स के लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से सभी ब्रांड्स के जेल पेन्स लेके आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कलेक्शन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।